गाइस ये रोड है देखिए सिंगल पट्टी इस पे उधर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। तो गाइस आप देख रहे हैं मिक्स 786 ब्लॉग और आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूं मुदर्रस से अल बुरैदा सामान लेने के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे बकाले हैं, बाकी सामान नहीं मिलता है। 120 किलोमीटर पे है पांडा, वहां से सामान लेने के लिए जा रहा हूं। 120 जाना 120 आना। तो बने रहिए व्लॉग के साथ और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। बताता हूँ यहाँ का सिंगल रोड, सिंगल पट्टी रोड है 120 किलोमीटर तक का, स्पीड दे रखी 110 किलोमीटर पर आवर। घूम जाइए मैं बताता हूँ उधर। गाइस ये रोड है देखिए सिंगल पट्टी, इस पे उधर से भी गाड़ी आती है और इधर से भी जाती है। इस रोड के ऊपर लाइट नहीं है। ये रोड जाता है सीधा बुरैदा, आगे से लेफ्ट रियाद और आगे वो जो मेन रोड मिलेगा हाईवे, वहां से राइट मदीना और पीछे जाएंगे तो हाईल आएगा। फाइनली मैं बुरैदा पहुंच चुका हूं। ये मेरे पीछे पांडा है, तारा, डंकिन डोनट्स और भी बहुत सारे यहां पे डोनट्स वगैरह हैं, पूरा मार्केट है। चलिए हम पांडा के अंदर चलते हैं, बताता हूं पांडा के अंदर क्या लेना है। यहाँ से चिकन निगेट्स और यहाँ से आलू की बतातीस बोलते हैं ये, और क्या लिया ये लिया। अभी और क्या चाहिए उसको पूछता हूँ। ये है पांडा, टोस्ट बोलते हैं ब्रेड को, उसको ब्रेड भी चाहिए। ये तल्लाजे से दूध लेना था, दूध लिया। ये इधर जूस का तल्लाजा है और इधर चावल रखा हुआ है, ये पूरा चावल है। तो गाइस ये था पांडा बुरैदा का। अभी मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा का ऑर्डर करा है पिज़्ज़ा लेने, उससे पहले मेरे कफील की वाइफ को लेना है। सबसे पहले मैं उसके घर जाऊँगा, उसको उठाऊँगा, फिर पिज़्ज़ा लेने जाऊँगा, फिर वापस जाऊँगा उधर रस। सऊदी अरब में शोरमा कैसे बनाते हैं, ये मेरे पीछे लगा हुआ शोरमा, पिज्जा भी बनाते हैं वो भी बताता हूँ। तो गाइस ये है चिकन शोरमा लगा हुआ, ये मशीन से उसको काट रहा है। मशीन से काटने के बाद वो प्लेट में गिरता है, देखिए प्लेट में गिर गया। अभी जो उधर साइड में खड़ा हुआ है वो खबूस बोलते हैं, रोटी, रोटी को खबूस बोलते हैं। उसके अंदर वो केचप और जो चाहिए आपको वो सब बोल के रखिएगा, तो वो उसके अंदर लगा के फिर उसके अंदर आलू के जो रहते हैं फ्रेंच फ्राइज, वो आलू को फ्रेंच फ्राइज डालता है ये देखिए। फिर उसके बाद ये चिकन डालता है, फिर सत्ता डालेगा और फिर इसको पैक करके दे देगा। और दूसरा एक स्टाइल का बनता है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला जैसे अपने वो मांडे रहते ना पतले, उस टाइप की रोटी में बनता है ये, इस टाइप का। इसको सिल्वर फॉइल में लपेट के, अगर आप बोलेंगे इसको काट के तो वो काट के भी देगा, नहीं तो ऐसे लपेट के दे देगा वो। इस तरीके से लपेट के आपको दे देगा। ये है पिज़्ज़ा का, यहाँ पर पिज़्ज़ा बनते हैं हर प्रकार का। तो गाइज़ ये था मेरा बुरैदा वाला ब्लॉग।
इंशाल्लाह रात के बहुत 3 बज चुका है। नए ब्लॉग में कल फिर मिलूँगा, तब तक दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच।